नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सिखों में। अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि भाजपा ने अपनी 76 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें वसुंधरा खेमे के नेताओं को हताशा का सामना करना पड़ा है। इसमें भाजपा के आलाकमान ने अपनी मनमानी करते हुए बहुत से वसुंधरा खेमे के नेताओं का टिकट काट दिया है। पहली सीट है खाजूवाला, यहाँ से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को टिकट मिला है। पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था यहाँ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चुनाव लड़वाया जाएगा, परंतु यहाँ से अर्जुन राम मेघवाल की जगह डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को टिकट मिला है। डॉक्टर विश्वनाथ का सीधा मुकाबला कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल से होने वाला है। अगली सीट है कोलायत, यहाँ से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले नेता देवी सिंह भाट्टी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। देवी सिंह भाट्टी का सीधा मुकाबला कैबिनेट मंत्री भंवर सिंह भाट्टी से होने वाला है। अगली सीट है बारा अटरू, यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता और वसुंधरा गुट के नेता माने जाने वाले मदन दिलावर को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मदन दिलावर इस सीट से विधायक भी है। अगली सीट है किशनगंज शाहबाद, यहाँ से ललित मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है अंता, यहाँ से कंवरा लाल को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है मारवाड़ जंक्शन, यहाँ से सिटिंग MLA केसरा राम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है खींवसर, यहाँ से भागीरथ मैरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। भागीरथ मैरिया लगातार 10 सालों से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं और उन्हें आने वाले चुनाव में देखना है कि इस मेहनत का परिणाम मिलता है या नहीं। अगली सीट है लाडनू, यहाँ से मनोहर सिंह के पुत्र करनी सिंह को टिकट मिला है। हाल ही में मनोहर सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद पार्टी ने उनके पुत्र को टिकट दिया और इनका सीधा मुकाबला सचिन पायलट गुट के नेता माने जाने वाले मुकेश भाकर से होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश भाकर, जो इस सीट से सिटिंग MLA भी है, अपना चुनाव निकलने में अपनी सीट को बचाने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं या करनी सिंह इस सीट से पहली बार विधायक चुन के आते हैं। अगली सीट है डेगाना, यहाँ से अजय सिंह किल्लक को टिकट मिला है। अगली सीट है डीडवाना, यहाँ से श्याम प्रताप सिंह राठौड़ को टिकट मिला है। दोस्तों, पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से ओमदास जी महाराज को प्रत्याशी बनाया जाएगा और फिर उसके बाद यह संभावनाएं बन रही थी कि यहाँ से यूनुस खान को प्रत्याशी बनाया जाएगा, परंतु इन सभी संभावनाओं और कयासों पर पानी फेरते हुए भाजपा ने यहाँ से श्याम प्रताप सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है राजा खेड़ा, जैसे निर्जा अशोक को टिकट मिला है। अगली सीट है बाड़ी, जैसे जसवंत सिंह गुज्जर को टिकट मिला है। अगली सीट है बसेड़ी, जैसे सुखराम कोहली को टिकट मिला है। अगली सीट है सिकराए, जैसे नंदलाल बंसीवाल को टिकट मिला है। अगली सीट है महुआ, यहाँ से राजेंद्र मीणा को टिकट मिला है। अगली सीट है बांदीकुई, यहाँ से अलका गुज्जर को टिकट मिला है। अगली सीट है दोसा, यहाँ से शंकर शर्मा को टिकट मिला है। अगली सीट है निवाई पिपलू, यहाँ से सतीश चंदेला को टिकट मिला है। अगली सीट है टोंक, तो दोस्तों टोंक की जो सीट है इस आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से भाजपा ने अजीत मेहता को मैदान में उतारा है। अजीत मेहता का सीधा मुकाबला कांग्रेस के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में PCC कमेटी के मेंबर सचिन पायलट से होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट इस बार का चुनाव निकाल पाते हैं या फिर अजीत मेहता उन्हें हराने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है खेतड़ी, या इसे भाजपा के कद्दावर नेता और इस सीट से लोकप्रिय नेता माने जाने वाले धर्मपाल गुज्जर को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना रोचक होगा कि धर्मपाल इस सीट को निकाल पाते हैं या फिर गुमरिया इस सीट से जीतने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अगली सीट है पिलाणी, या इसे ताऊ सुंदरलाल के बेटे कैलाश मेघवाल को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले चुनाव में भी कैलाश मेघवाल को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, परंतु उस चुनाव में भाजपा का कड़ा विरोध होने के कारण कैलाश मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा, परंतु एक बार फिर से भाजपा ने इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। अगली सीट है जैसलमेर, यहां से छोटू सिंह भाट्टी को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि छोटू सिंह भाट्टी इस सीट से लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि छोटू सिंह भाट्टी यह चुनाव निकाल पाते हैं या फिर उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम मिलने में असफलता प्राप्त होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगली सीट है रानीवाड़ा, यहाँ से नारायण सिंह देवल, जो कि 2 बार से ऐसे सिटिंग MLA है, एक बार फिर भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें सीट से प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है भीनमाल, यहाँ से पूरा राम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है हवा महल, यहाँ से सुरेंद्र पारीख को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, सुरेंद्र पारीख का सीधा मुकाबला महेश जोशी से होने वाला है। महेश जोशी जो कि कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो देखना रोचक होगा कि सुरेंद्र पारीख महेश जोशी को हराने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं या महेश जोशी अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है विराट नगर, यहाँ से फूलचंद बिंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है सिविल लाइन, यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से भाजपा ने
रणजीत सिंह सोडाला को प्रत्याशी बनाया गया। रणजीत सिंह सोडाला का सीधा मुकाबला यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास से होने वाला है। देखना बड़ा रोचक होगा कि रणजीत सिंह सोडाला प्रताप सिंह खाचरियावास को हराने में सफल हो पाते हैं या नहीं। देखने से तो यही लग रहा है कि खाचरियावास अपना चुनाव आसानी से निकाल लेंगे, परंतु दोस्तों समय का कुछ भी नहीं है। समय किस ओर करवट ले ये आने वाला समय ही बताएगा। अगली सीट है किशन पोल, यहाँ से मोहनलाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। मोहनलाल गुप्ता का सीधा मुकाबला अमीन कागजी से होने वाला है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अमीन कागजी का इस सीट पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है, परंतु फिर भी कांग्रेस पार्टी ने अमीन कागजी के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है शाहपुरा, यहाँ से राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। शाहपुरा यह जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगली सीट है जमुआ रामगढ़, यहाँ से जगदीश नारायण को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है सादलपुर, यहाँ से वर्तमान सांसद राहुल कसवा की माता जी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना रोचक होगा कि कमला कसवा अपना चुनाव निकाल पाती है या नहीं। कमला कसवा इस सीट से 2008 में विधायक भी रह चुकी हैं। अगली सीट है सरदार शहर, यहाँ से अशोक पिंचा जो कि लगातार भाजपा के इस सीट से पांचवी बार प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन्हें इस सीट से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखना रोचक होगा कि अशोक पिंचा अनिल शर्मा को हरा पाते हैं या नहीं। अगली सीट है बेगू, यहाँ से सीपी जोशी जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना रोचक होगा कि सीपी जोशी यह सीट निकाल पाते हैं या नहीं। अगली सीट है कपासन, जैसे अर्जुन लाल जिनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है रामगंज मंडी, जैसे महेंद्र सामरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है लाडपुर, यहाँ से कल्पना देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है ओसिया, दोस्तों ओसिया सीट है आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ का मुकाबला भी बड़ा ही रोचक होने वाला है। यहाँ के मुकाबले में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। यहाँ से भाजपा ने बैराराम सियोल को प्रत्याशी बनाया गया है। बैराराम सियोल का सीधा मुकाबला कांग्रेस की नेत्री और मदेरणा परिवार की कद्दावर नेता दिव्या मदेरणा से होने वाला है। अगली सीट है लूणी, जैसे जसवंत बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है शेरगढ़, जैसे वसुंधरा खेमे के नेता माने जाने वाले बाबू सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों बाबू सिंह राठौड़ इस सीट से पिछली बार चुनाव हार गए थे, परंतु पिछला चुनाव ये मात्र थोड़े से वोट के अंतर से हारे थे। तो एक बार फिर से भाजपा ने इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट है लोहावट, जैसे गजेंद्र सिंह खींवसर को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों गजेंद्र सिंह खींवसर इस सीट से लगातार 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गजेंद्र सिंह खींवसर अपना चुनाव आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इस सीट पर गजेंद्र सिंह खींवसर की काफ़ी खास हवा बनी हुई है। अगली सीट है जोधपुर शहर, यहाँ पर अतुल बंसाली को प्रत्याशी बनाया गया है। अतुल बंसाली का सीधा मुकाबला कांग्रेस की कद्दावर नेत्री मनीषा पंवार से होने वाला है। मनीषा पंवार जो इस सीट से सिटिंग MLA भी है, तो देखना रोचक होगा कि मनीषा पंवार अपनी सीट बचा पाती है या फिर अतुल बंसाली उनको हराने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है सरदारपुरा, यह भी जोधपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ से भाजपा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं, उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से होने वाला है। तो देखना रोचक होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ये सीट निकाल पाते हैं या फिर एक बार इस सीट से अशोक गहलोत जीतने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अगली सीट है भोपालगढ़, जैसे सुरेंद्र सिंह डांगी को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है पंचपदरा, जैसे अमराराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों अमराराम चौधरी भी सीट से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनका सीधा मुकाबला मदन प्रजापत से होने वाला है। मदन प्रजापत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, मदन प्रजापत वही नेता है जो लगातार 6 महीने विधानसभा के अंदर नंगे पाँव गए थे, और उन्होंने नंगे पाँव जाने के बलबूते पर पंचपदरा बालोतरा को जिला घोषित करवाया। अगली सीट है गुड्डा मलानी, जैसे KK बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है पिपलदा, जैसे मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है कोटा, यहाँ से प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया गया। अगली सीट है टोडा भीम, यहाँ से रमेश मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। जाडोला से बाबूलाल खराड़ी को प्रत्याशी बनाया गया। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों प्रियंका चौधरी पिछला चुनाव मात्र थोड़े से अंतर से हार गई थी, परंतु इस चुनाव में भाजपा की लहर के कारण शायद वह अपना चुनाव निकाल लेंगी। अगली सीट है शिव, यहाँ से यह सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से जयनान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया गया है। रविंद्र सिंह
भाटी का सीधा मुकाबला आबिन खान से होने वाला है। अगली सीट है मसूदा, यहाँ से रामसुख गुज्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है कठूमर, यहाँ से बाबूलाल मैनेजर को प्रत्याशी बनाया गया है। बहरोड से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया जाएगा, परंतु बाबा बालकनाथ को तिजारा से प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा ने यहाँ से शानू यादव को प्रत्याशी बनाया है। अगली सीट है रामगढ़, जैसे सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अगली सीट है राजगढ़, जो कि लक्ष्मणगढ़ वाला है, जैसे विजय मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। मावली से धर्म नारायण जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो दोस्तों यह थी हमारी भाजपा की 76 उम्मीदवारों की लिस्ट जो हमने आपके सामने पेश की। तो दोस्तों आपको यह लिस्ट कैसी लगी, इनमें कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीता हुआ है, और कौन कौन से वसुंधरा खेमे के हैं, और कौन कौन से आला कमान के द्वारा नए घोषित किए गए, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद।